सो गाइस यार, स्वागत है आप सभी का बिल्कुल एकदम नई फ्रेश वीडियो में। सो यार, आज तुम भी खुश हो, हम भी खुश हैं, क्योंकि यार एक अच्छा लगता है ना दिल से कि आप किसी को कोई चीज़ एकदम बढ़िया वाली चीज़ दे रहे हो। सो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये वीडियो को पूरा फुल तक देखना, क्योंकि मैं आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात भी करने वाला हूँ ट्रेन से रिलेटेड, अपने रूट से रिलेटेड, प्लस आपका जो रूट है, रूट फाइल का पासवर्ड इस वीडियो में है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग ट्रेन खेलते हैं, एंड अभी मैं आप लोगों से कुछ की पॉइंट्स की बात करूंगा, ठीक है ना। इसको अपने दिमाग में रखना, क्योंकि ये ट्रेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई सा भी रूट खेलो, ट्रेन चलाओ, कुछ भी करो, ठीक है ना। और मेरे रूट से काफ़ी अच्छा रिलेशन रखता है, इसलिए गाइस प्लीज़ मेरी बात को समझना एंड अप्लाई भी करना, अगर आप अपने फ़ोन की लाइफ चाहते हो कि बनी रहे और आप ट्रेन भी एकदम आराम से खेल पाओ। सबसे पहला की पॉइंट ये है कि जो मैं रूट अभी आप लोगों को देने वाला हूँ, ठीक है ना, ये बेसिकली 4 GB रैम या फिर उससे ऊपर के फ़ोन के लिए, आप 3 GB में भी खेल सकते हो, बट हाँ लैग करेगा। पर 2 GB और 1 GB वाले इसको बिल्कुल भी ट्राई ना करें, मतलब क्या बोल रहे हैं, तबाही मच जाएगी भाई तुम्हारे फ़ोन में, तुम्हारा फ़ोन अटक जाएगा एक जगह पे, या कह लो कि तुम्हारा फ़ोन क्रैश कर जाएगा, एक ही स्क्रीन वो स्टक रहेगी, तुम्हारे टच वगैरह कुछ काम नहीं करेंगे, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना, 4 GB रैम या फिर 4 GB के ऊपर वाले खेलो, या फिर 3 GB वालों खेलना है खेलो, पर अपने रिस्क पे, ठीक है ना। दूसरा की पॉइंट ये है कि ट्रेन्स को रन करते समय सबसे पहला काम कि आपके मोबाइल का जो जंक फाइल होता है वो क्लियर रहना चाहिए। सो गाइस, अभी एक लास्ट पॉइंट है जो गाइस आप लोग उसमें हेल्प करोगे, ठीक है ना। गेम्स में कुछ जब अल्फा टेस्टिंग हुई थी तो कुछ बग्स वगैरह मेरे सामने रखे गए थे। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर उसके अलावा भी कुछ और बग्स दिखते हैं तो मेरे को ज़रूर से बताना उस बग्स के बारे में। तो आपको करना क्या, आप स्क्रीनशॉट लेके मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, उसके ऊपर क्लिक करके फॉलो कर लेना, ठीक है। और वहाँ पे जाके मुझे DM करके बता देना कि ये बग है, और स्क्रीनशॉट के साथ, जैसे कि नेक्स्ट अपडेट में मैं वो बग्स होगा उसको क्लियर करूँगा, प्लस आपका वहाँ पे नाम भी मेंशन रहेगा वीडियो में। उसके अलावा अब एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो एक्टिविटी मेकर्स के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना आप लोग। जो हरौनी से लेकर सोनिक तक का है, ठीक है ना, बेसिकली यही पार्ट, हरौनी टू सोनिक, सोनिक टू हरौनी। तो आप जब सोनिक से डिपार्चर लोगे या फिर आपकी ट्रेन जब सोनिक पहुँचेगी, तो कोशिश करना अपनी स्पीड को 20 KMPH पे रखना, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड आपके 20 KMPH होनी चाहिए, डिपार्चर लो चाहे आओ। उसके बाद आपका हार्ट पहाड़ी, वहाँ पे आपको मैक्सिमम 40 की लिमिट करनी है, और जो आपके शार्पिंग टर्न्स होंगे, ठीक है ना, जो मतलब गहरे टर्न्स होंगे, तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम 40 की लिमिट फॉलो करनी है, भले वहाँ पे 70 दिया हो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप मैप व्यू के थ्रू चेक कर सकते हो। अगर आप हरौनी से डिपार्चर ले रहे हो सोनिक के लिए, या फिर सोनिक से आ रहे हो हरौनी की साइड, तो जो हरौनी का जो पूरी क्रॉसिंग सेक्शन है वहाँ पे भी आपको 20 की लिमिट फॉलो करनी है, नहीं तो ट्रेन डीरेल हो जाएगी। उसके बाद गाइस, अब हम लोग चलते हैं अपने रूट की इंस्टॉलेशन प्रोसेस की तरफ। सो गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वेबसाइट का, आपको उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। वहाँ पे गाइस आप आने के बाद यहाँ से आपको इंस्टाग्राम के फॉलो करने की लिंक भी मिल जाएगी, प्लस आपको यहाँ पर रूट की भी लिंक मिल जाएगी। तो आपको LK2CNB रूट के ऊपर आपको एकदम सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे गाइस हमारा पुराना वाला रूट भी है, जो पहला, जो BRS का पहला वाला ओरिजिनल रूट था, मंडवा D2 प्रयागराज, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप वो भी चाहो तो यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ये रहा गाइस आपका LK2 कानपुर का रूट, ठीक है ना, वर्जन 2.1। तो गाइस ये वीडियो मैं पहले बना रहा हूँ, इसलिए गाइस यहाँ पे फीचर्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं, नहीं तो अभी आप लोग क्लिक करोगे तो आपको फीचर्स वगैरह भी सब मेंशन रहेंगे। यहाँ नीचे फोटोज़ भी हैं, और हमारे चैनल पे जो पुरानी वाली वीडियो आई थी रफ्तार वाली, जो इसी रूट का एक ट्रेलर था, शॉर्ट वर्जन था गानों के साथ, जो हमने काफिला शुरू किया था, सो गाइस उसकी भी वीडियो है। सो गाइस आप उस टाइप से यार आप देख सकते हो पूरा हर एक चीज़।
अब उसके बाद गाइस हम लोग डाउनलोडेशन प्रोसेस के ऊपर आते हैं फटाफट से। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो किट है, आपको किट 1, किट 2, किट 3 डाउनलोड कर लेनी है, पूरी की पूरी, पूरी ड्राइव लिंक है, लो प्रूफ भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देख लो, यहाँ देख लो ऊपर drive.google दिख रहा है और हम लोग ड्राइव ही पे आए हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ के ऊपर आप लोगों को खास तौर से ध्यान रखना है कि ड्राइव की लिंक है, सो कोई भी पेड लिंक नहीं, आपका टाइम भी नहीं ज़्यादा ज़ाया होगा। उसके अलावा गाइस पूरा रूट का साइज़ है वो है 857.26 MB, यानी कि 857.26 MB का पूरा ये रूट है, रूट की फ़ाइल इंक्लूड करके। रूट की फ़ाइल भी आपकी जो है वो भी ड्राइव की है, प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बस खाली रूट में पासवर्ड लगा हुआ है। तो डाउनलोड हो जाने के बाद, ठीक है ना, मैक्सिमम आपका 1 GB के अंदर आपका पूरा डाउनलोड हो जाएगा आराम से। उसके बाद गैस डाउनलोड हो जाने के बाद गैस हम लोग आते हैं अपने ज़ार अचीवर पे और फर्दर प्रोसेस देखते हैं। सो गैस ये हम लोग आ चुके हैं अपने ज़ार अचीवर पे। आपने जहाँ पे भी किट और रूट जहाँ पे भी डाउनलोड किया हो वहाँ पे आपको चले जाना है। सो गैस सबसे पहले हम लोग रूट का इंस्टॉलेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो रूट के इंस्टॉलेशन के लिए आपने, जैसे आपका डाउनलोड फोल्डर में सेव हुआ होगा, अगर आप ड्राइव से किया होगा तो आपके ड्राइव में होगा, तो आप क्लिक करके उसको फाइंड आउट कर लेना। तो जैसे ये वाला रूट है तो मैंने रूट की फाइल के ऊपर क्लिक की, यहाँ पे व्यू के ऊपर जाना है और ये जितने भी आप ऑप्शन देख रहे हो ना, इसको सब सेलेक्ट कर लो। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने ट्रेंज के लोकल वाले फोल्डर में, ठीक है भाई साहब, ट्रेंज के लोकल वाले में जाना और जो भी आपको खाली दिखे उसके ऊपर सिंपली ले जाके उसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगेगा तो पासवर्ड में आपको डालना है, कैपिटल में सब रहेगा, BRS ओरिजिनल NR, और ये हो गई कॉपी, ठीक है। अब गाइस जो रहा अब आपके ऑब्जेक्ट का सवाल, क्योंकि ऑब्जेक्ट ढेर सारे हैं, तो आप लोग एक बार हिट एंड ट्राई वाला काम कर लेना, ये जैसे पूरा है इसको पूरा सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपको एंड्रॉयड में जाना है, डेटा में जाना है, फिर उसके बाद आपको जाना है com.n3v में, फाइल्स यूज़र डाटा लोकल, और लोकल का आपको जो भी हैश आपको खाली दिखे उसमें सिंपली ले जाके आपको उसको पेस्ट कर देना है। अब गाइस आपको सारे ऐसे ही पेस्ट कर लेना है, ठीक है ना, जितने भी किट है, किट 1, किट 2, किट 3, आपको जितने भी पेस्ट करने हैं सब लोकल में कर लेना है। अगर आपका लोकल फुल है तो ओरिजिनल में कर लेना, पर ओरिजिनल में एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका 99 के अबव हैश ना हो, नहीं तो ये वर्क नहीं, मतलब जो फाइल्स होंगी वो रन ही नहीं करेंगी ट्रेंज में, ठीक है ना, इस बात का एकदम अच्छे से ध्यान रखना। तो 99 के बिलो हो तो ठीक है, तो आप ऐसे 3 हैशेस बना के पेश कर लेना। अगर मान लो अगर आपका पूरा जितना, मतलब जैसे मैंने जो किट बना के दिया आप उसको एज इट इज़ कॉपी कर देते हो, अगर नहीं वर्क कर रहा है तो कोशिश करना 10-10 एडन्स उठा के हर एक हैश में पेस्ट कर देना, ठीक है ना। जैसे हैश 0 में मैंने 10 कर दिया, हैश 1 में 10 कर दिया, हैश 2 में 10 कर दिया, ऐसे ऐसे करके आप पूरा पेस्ट करते जाना, ठीक है, वैसे वर्क कर जाएगा। फिर बैक आने के बाद आपको यहाँ से asset.tdx नाम की फाइल होगी, उसको डिलीट कर देना, ठीक है। अब मैं लास्ट बार एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो आपका ये पूरा गेम है, रूट है जो गेम का, उसको आपको ओरिजिनली में, सॉरी उसको आपको लोकल में पेस्ट करना है, एंड कोशिश करना तो ऑब्जेक्ट भी लोकल में डालना, अगर लोकल में हैश खाली ना हो तो ओरिजिनल में पेस्ट कर देना, ठीक है। और मैंने जो बोला कि एक साथ पेस्ट करने के बाद एक बार चेक ज़रूर कर लेना, अगर वर्क कर जाता है तो डेट्स फाइन, तो 10-10 करके अलग अलग मत करना, अगर नहीं काम करता है तो 10-10 करके अलग कर लेना। अब गाइस asset.tds डिलीट करने के बाद अब हम लोग चलते हैं गेम पे और मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देता हूँ गेम का। सो गाइस ये हम लोग आ चुके हैं अपने रूट पे, अभी लोडिंग ले रहा है इसका सर्वाइवर। सो गाइस सबसे पहला चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो मैं डिस्कशन कर रहा था वो है गाइस जो सोनिक साइड का है, ये जो आप ट्रैक चेंजिंग देख रहे हो यहाँ पे आपको स्पीड मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर अराइव कर रहे हो या डिपार्ट कर रहे हो तो 20 की रखना, ठीक है। अब आगे के साइड चलते हैं, थोड़ा और भी आपको इम्प्रूवमेंट वगैरह दिख जाएंगी, तो अभी मैं अजगैन का आपको जैसे दिखा देता हूँ। सो गाइस अजगैन स्टेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, जैसे यहाँ की जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो बढ़ा दी गई है। यहाँ पे गाइस आपको एक स्पीड लिमिट मिल जाएगी जो है गाइस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की। सो गाइस आपको वही फॉलो करना है यहाँ पे ट्रैक चेंज करते टाइम,
क्योंकि गाइस ये वाले ट्रैक्स में गाइस जो ट्रैक चेंजिंग के टाइम डिरेलमेंट वाला प्रोसेस बढ़ा दिया है, मतलब चांसेस बढ़ा दिए हैं डिरेलमेंट के, तो बहुत बार ऐसा होता है कि डिरेल हो जाती है ट्रेन। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग ये सारी चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना। अब आगे बढ़ते हुए अब हम लोग चलते गाइस मदल हार्ट वाले सेक्शन पे। जो भी मदल हार्ट वाला सेक्शन होगा गाइस, आपको जो मैंने अभी दिखाया था उसमें आपको मैक्सिमम 40 की लिमिट फॉलो करनी है स्पीड की। अब गाइस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो मैं शार्पिंग टर्न्स की बात कर रहा था, ठीक है ना। एक्चुअली ट्रैक थोड़ी गड़बड़ है, नेक्स्ट अपडेट में इसकी जगह कोई अच्छी ट्रैक डालेंगे, ये हटा देंगे, तो गाइस इतना कट्स नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कट्स हैं। तो गाइस यहाँ पे भी गाइस आप मैक्सिमम 40-50 कैरी ऑन करो, भले 100 की लिमिट ही क्यों ना हो। और कोशिश करना कि जितने भी इस टाइप के शार्प कट्स हों या फिर बेंड्स हों तो वहाँ पे आप मैक्सिमम 40 की लिमिट फॉलो करना। सो गाइस ये वाला गाइस हमारा हरौनी का सेक्शन है, थोड़ा बहुत गाइस ये लैग करेगा ही, तो इतना बात नहीं, पर लोड ले ले रहा है, ये बढ़िया बात है। और गाइस ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हो, अगर यहाँ से सोनिक के साइड से अगर आपकी ट्रेन आ रही है या फिर यहाँ से जाएगी, तो मैक्सिमम 20 की लिमिट ही फॉलो करना, अप टू जब तक सारी क्रॉसिंग्स कंप्लीट नहीं हो जाती। और ये जो राइट हैंड साइड वाली जितनी भी ट्रैक्स हैं, ठीक है ना, अभी गाइस अभी इसको फॉलो अप मत करना, क्योंकि अभी ये उसी एरिया की है, कुशाम्बी ER साइड की है ये, जिसको अभी तक फॉलो मत करना, क्योंकि अभी तक यहाँ पे आपको कुछ खास नहीं मिलेगा। तो मेन रूट यहीं तक ही का है, वो जब बन जाएगा तब गाइस उस अपडेट में मैं आप लोगों को बता दूंगा। अरे आप इतनी छोटी छोटी चीज़ें गाइस आपको थोड़े से ध्यान में रखनी होगी, और बाकी जो जो धीरे धीरे करके अपडेट आते जाएंगे मैं उसमें सॉल्व कर दूंगा। अगर आप सबको भी कोई और बग मिलते हैं स्क्रीनशॉट लेके ना इंस्टाग्राम पे DM कर देना, और नेक्स्ट अपडेट में मैं उन सारी चीज़ों को क्लियर करूंगा। और जिस बंदे ने भी मेरे को वो बताया होगा सो उसका नाम भी मैं उस वीडियो में डाल दूंगा। तो प्लीज़ यार इन सारी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। ये गाइस आपका जैतीपुर हॉल्ट। सो गाइस अभी आप जब रूट खेलोगे तो गाइस आपको काफ़ी कुछ एक्सपीरियंसिंग मिलेगा, एंड होप सो गाइस कि आप सबको ये वाली वीडियो अच्छी लगे, एंड शायद मैंने कोई गलती ना की हो एक्सप्लेनेशन करने में, क्योंकि यार मैं काफ़ी टाइम से डरा भी हुआ था एंड काफ़ी लंबे टाइम के बाद ही मैं कोई वीडियो भी बना रहा हूँ। सो गाइस बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, और चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि ऐसी ऑसम फ्यूचर अपडेट्स के लिए भी तैयार रहना। एंड इस रूट को जितना खेलो अच्छा है, बग्स वगैरह भी मेरे से शेयर करते रहना। सो गाइस आप सबका ढेर सारा शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।